बिहार स्टेट के सभी मेरे मित्रों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। एग्जामिनेशन आपके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और ये हमारी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और ये वीडियो आपको बहुत चलते चलते लाभ दिलाएगी। मैं आपको इस एटम बम के माध्यम से ये बहुत सारी जानकारियां दूंगा कि क्या आपने ये पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी मौका है कि नजर डाल लीजिए और अपने माइंड को बहुत संतुष्ट करके एग्जाम देने जाइए। मेरा आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि छोटे छोटे चीजें कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इन चीजों के माध्यम से भी सिलेक्शंस पर इफेक्ट पड़ता है। तो क्या आपने ये चीजें पढ़ी? अगर नहीं पढ़ी तो एक बार चलते चलते इस एटम बम का ब्लास्ट आप जरूर सुनते चले जाइएगा। पॉइंट वाइज बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पॉइंट नंबर वन, क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने इन बातों पर ध्यान दिया? अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहा हूं तो क्या आपने इन चीजों का मीनिंग जानने की कोशिश की है? अगर नहीं की है तो जान के जाइएगा। नंबर वन, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आपने अगर नहीं पढ़ा है तो फटाक से बुक निकालिए, पढ़ लीजिए। वैसे मैं बता दे रहा हूं, बुक भी मत निकालिए, यहीं पढ़ लीजिए। ये एल की वैल्यू के बराबर होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू के बराबर होगा। एस ऑर्बिटल के लिए 0, पी ऑर्बिटल के लिए 1, डी ऑर्बिटल के लिए 2 और एफ ऑर्बिटल के लिए 3 होता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी भी ऑर्बिटल का, वो किसकी वैल्यू के बराबर होता है? वो बराबर होता है एल की वैल्यू के। इसी तरीके से अगर आपने एल की वैल्यू पर जब डिपेंडेंस आप देखेंगे तो फार्मूले भी आपने देखा होगा। देखिए यहां पर ये इस तरीके से ब्रैकेट में एल और यहां पर एल प्लस वन, एल एल प्लस वन एच अपॉन 2π, ये फार्मूला है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एच अपॉन 2π का टर्म नहीं देते, तब डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो इस फार्मूले को पढ़ करके आप जरूर जाइएगा। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूले से क्वेश्चंस आपके सामने आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से एंगुलर नोड और रेडियल नोड भी आप पढ़ करके जाइएगा। देखिए एंगुलर नोड ये एंगुलर नोड भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये एल की वैल्यू के बराबर होंगे, जो यहां पर है वही वैल्यू यहां पर आ जाएगी। जबकि रेडियल नोड को अगर आपने देखा होगा, अगर मैं रेडियल नोड की बात करता हूं तो रेडियल नोड जो होता है वो n माइनस एल माइनस वन होगा। इस फार्मूले से कैलकुलेशन करके आपको चले जाना चाहिए, ठीक है? तो जितनी चीजें आज बता रहा हूं भैया, बिल्कुल ध्यान से पढ़ करके चले जाइए। अगर पढ़ रखें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ रखें तो एक बार इनको जरूर ध्यान देना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये पिक्चर आपके सामने आ जाए और पूछा जाए यहां पर कितने नोड हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि नोड वो प्लेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो जाती है। अगर मैंने इस तरीके की ऑर्बिटल यहां पर बनाई है तो आपको एहसास हो रहा होगा कि बीच में मैंने गैप छोड़ा है, यहां पर एक नोड है। दिस इज नोड। नोड वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो जाती है। तो डेंसिटी किसकी? डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की। डेंसिटी यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अगर आपने ये जो मैं बता रहा हूं फार्मूले, रिडबर्ग फार्मूला पढ़ा नहीं है तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। रिडबर्ग फार्मूला। अब रिडबर्ग फार्मूला की अगर मैं बात करता हूं तो रिडबर्ग फार्मूला क्या है वो आपको पता होना चाहिए। न्यू बार इज इक्वल टू आर एच, यहां पर रेडबर्ग कांस्टेंट है, ब्रैकेट में आ जाते हैं 1/(n1)² - 1/(n2)² ये फार्मूला भी पढ़ करके चले जाना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी, ध्यान दीजिएगा। कोशिश पूरी करूंगा कि आपको बहुत सारी चीजें बताऊं। अगर मास पूछा जाए हाई इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन का, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट हाई स्पीड। अरे भाई, हाई स्पीड पर इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? वैसे तो आपको मास पता है 9.1 × 10⁻³⁴ होता है, लेकिन
हाई स्पीड पर मास जब निकालते हैं तो इसे एम डैश से रिप्रेजेंट कर लो, चाहे एम के ऊपर पावर कुछ भी लगा दो, यहां पर एम अपॉन हो जाएगा, अंडर रूट में चले जाइएगा, अंडर रूट में लिखिएगा 1 - μ/c इस पूरे का होल स्क्वायर, इससे निकालते हैं फार्मूला। वी वेलोसिटी है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, और यहां पर m जो है वो रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला m, और डैश m डैश हाई स्पीड पर मास हो जाएगा। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। रेडियस न्यूक्लियस का नहीं याद किया हो तो पढ़ के चले जाओ फटाफट, आज मेरी वीडियो से ही पढ़ लो, किताब मत उठाओ। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अगर रेडियस न्यूक्लियस का जानना है तो न्यूक्लियस का रेडियस आपको पता होना चाहिए, r इज इक्वल टू r नॉट और a की पावर 1/3 हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना, ये चीजें बहुत छोटी हैं। और एक और चीज है, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स के नाम जरूर पढ़ लीजिए आप, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, वो तो सब पढ़े हुए हैं। क्वांटम नंबर, अब क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल का नाम तो वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मेन एनर्जी लेवल बोलते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चले आइएगा, इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीमुथल के बहुत सारे नाम हैं, एजीमुथल के बहुत सारे नाम हैं, एजीमुथल को एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसे सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और आप इन नामों के से इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, सभी को एल से रिप्रेजेंटेशन देंगे। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा कि एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, तो यहां पर मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख देता हूं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये सब चीजें फार्मूले के साथ में। एल की वैल्यू जो होती है वो 0 to n-1 होती है, फुल रिविजन होगा आपका, और m इज इक्वल टू -l से +l तक 0 के साथ में चलता है। s की वैल्यू या तो +1/2 होगी और या फिर -1/2 होगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो ये पढ़ लेना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं वो है नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को जरूर पढ़ लेना। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं वो क्या है, वो फार्मूला है n ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2 से कैलकुलेशन करते हैं। ऑर्डर जरूर याद कर लेना वेव लेंथ का ऑर्डर पढ़ लेना, और वेव लेंथ के ऑर्डर में भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि एनर्जी लेवल किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है। मैंने आपको बताया भी बहुत बार, मैंने तरीके भी बताए, अपने वीडियोस पर भी डाले हैं तरीके, आपको पता रहे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल है ना। यहाँ पर मैं अगर ऑर्डर लिखना भी चाहूँ, अगर आप ट्रेन में कहीं पर बैठे हैं, बस में बैठे हैं, तो आप इनको फटाक से माइक लगाइए कान में, किसी दूसरे को ना सुनाई दे, रेडियो वेव हो जाता है, उसके बाद आपका माइक्रोवेव हो जाता है, माइक्रोवेव के बाद फिर आपका इंफ्रारेड हो जाता है, इंफ्रारेड के बाद आपका विजिबल हो जाता है, और विजिबल के बाद आपका अल्ट्रावायलेट रीजन आ जाएगा, अल्ट्रावायलेट के बाद एक्सरेज आ जाएंगे, और एक्सरेज के बाद गामा आ जाएगी, और गामा के बाद में आपकी कॉस्मिक आ जाती हैं। तो ये फार्मूला पूरा, मतलब एक तरीका आप याद रखिएगा, बोहर्स आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन याद रखना। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहती है, डी ब्रोगली इक्वेशन, ये डी ब्रोगली इक्वेशन आपको याद होगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी या एम इंटू वी भी हम लोग लिख लेते हैं। इतनी बातें आप अगर आप याद रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। और एक फार्मूला और चलते चलते याद रखना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालना पड़े तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आप याद रखिएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी मुझे याद आ गया, फटाक से बता देता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर रूट एन एन प्लस वन, यही होता है या टू, एन प्लस टू होता है, एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन, ये भी आ सकता है एग्जाम। तो कुछ चीजें जो मुझे समझ में आ रहे हैं मैं आपको फटाफट बताता चल रहा हूं, और यहां पर बात पढ़ाने ना पढ़ाने की, लेकिन आपको याद दिलाने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक आपको पता है कि केमिकल बॉन्डिंग, जरा फटाक से रिवाइज कर लो, केमिकल बॉन्डिंग याद कर लो। क्या आपने अगर ये चीजें नहीं पढ़ी हैं
तो मेरे प्यारे दोस्तों इन्हें पढ़ लो, ये जरूर काम आएंगी। बहुत मुश्किल से कभी कभी आपको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एट ए टाइम एग्जामिनेशन में एट रैंडमली दिमाग से स्लिप कर जाती हैं, और जब वो दिमाग से स्लिप कर जाएं तो फिर ये मान के चलना कि बड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जामिनेशन के प्रेशर पर उन्हें वापस जगा देना। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको बता दिया, हमने आपको बता दिया कि केमिकल बॉन्डिंग में क्या होना है, उसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में भाइयों आपको जरूर पढ़ना है, नंबर वन हाइब्रिडाइजेशन, नोट कर लो इसे, हाइब्रिडाइजेशन 100% यहां से क्वेश्चन रखा है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में खासकर एक तो फार्मूला H इज इक्वल टू हाफ प्लस विम का याद रखना, V प्लस एम माइनस सी प्लस ए, हाफ प्लस विम का याद रखना। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा गया NO3 नेगेटिव में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो H इज इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाता है, मोनोवेलेंट है नहीं, कैटायन इस पर है नहीं, एनायन इस पर जो है वो 1 है, तो टोटल आपका हो गया 6/2, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आई, तो 1s हो गई, p की 2 हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन में ही अगर मान लो आपसे ये कहा जाए कि भाई इसके ऊपर स्टार लगा है, इसके ऊपर स्टार लगा है, बताइए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो सिग्मा बॉन्ड निकाल लेना, 3 सिग्मा दिखाई देंगे आपको और 1 पाई दिखाई देगा, तो 3 सिग्मा का मतलब ही होता है 1s और p की 2, पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। एक तो इसे पढ़ के चले जाइएगा, इसके बाद आपको बॉन्ड ऑर्डर जरूर पढ़ लेना है, और बॉन्ड ऑर्डर में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, एक तो ये ऑर्डर कि O2 ज्यादा स्टेबल है, O2 plus as compared to O2, as compared to O2 minus, as compared to O2 minus minus। इसी तरीके से बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन का ज्यादा होता है बोरॉन से, ये बात भी याद रखना। इसी के साथ साथ नियोन का बॉन्ड ऑर्डर Ne2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 माना जाता है, हीलियम का भी बॉन्ड ऑर्डर He2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 0 माना जाता है, ये चीज भी आप फटाफट पढ़ करके जाइएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो 3.0 बताना, और कार्बन प्लस का पूछा जाए तो यहाँ पर 3.5 बता करके आना, ये बॉन्ड ऑर्डर भी एग्जाम में आने की संभावनाएं बन सकती हैं। इजी है, इनमें से क्वेश्चन मिलने की पूरी चांस भी आपको है। यहाँ पर पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का कंसेप्ट भी आपको याद रखना है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। पैरा में इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अनपेयर्ड चलेंगे ऐसे करके, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मैंने इस ऑर्बिटल से दिखाया, जबकि डायमैग्नेटिक की बात करेंगे तो चाहे एक ऑर्बिटल हो या दो हो, सभी में इलेक्ट्रॉन अगर कहीं भी अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड है तो डाया, मतलब जो मैग्नेट से रिपल हो जाए और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए वो आपका पैरा बन जाता है। डाइपोल मोमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा, डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला है, डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू हो जाता है ई इंटू डी, इस फार्मूले को पढ़ लेना। अगर म्यू की वैल्यू जीरो आती है तो मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर हो जाता है या पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है, दोनों बातें हैं। और अगर म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आती है, मॉलिक्यूल आपका पोलर हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की बात करता हूं, यहां पर पोलैरिटी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पर है इसलिए कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाता है। वाटर के केस में अगर मैं देखता हूं तो वाटर के केस में पोलैरिटी एक डायरेक्शन में चली जाती है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो यहां पर नॉट इक्वल टू जीरो आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको याद रखना पड़ेंगे। जैसे अगर CO2 मॉलिक्यूल को कंसीडर करोगे तो यहां पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देता है, वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी, जैसे कि आपका ऐसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो, कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो आयनिक बॉन्ड हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, कौन सा होगा, तो बेस्ट एग्जांपल आपके सामने NH4Cl, तोड़ दीजिए NH4Cl ब्रेक हो जाता है NH4 पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में, इसको चेक कर लीजिए
एन यहां पर, यहां पर, यहां पर, और इस तरीके से एच पर जाने दीजिए एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, और यहां प्लस, और सीएल पर माइनस। इस तरीके से स्ट्रक्चर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको जरूर बताना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन तो 100% आना भैया निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और मेरी राय तो ये भी है कि आप जो मैं बता रहा हूं इसको जरूर देख जाइए, 100% देख करके चले जाइए, आपको लाभ मिलेगा। वेस्पर थ्योरी का पॉइंट भी VSEPR पर इसके मेन पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं। जैसे वेस्पर थ्योरी में जो आपका रिपल्सन है, लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, या ऑर्डर कई बार पूछा भी गया है, और फिर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन भी कंसिडर करते हैं। इसी के हिसाब से आप एक तो मीथेन मॉलिक्यूल को याद रखना कि यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, शेप रेगुलर है और टेट्राहेड्रल है, एंगल आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आप अमोनिया मॉलिक्यूल पर चले जाइएगा, अमोनिया मॉलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा कि भाई अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो पिरामिडल शेप आ जाती है एक लोन पेयर होने की वजह से, है ना। हाइब्रिडाइजेशन सभी में sp3 चलेगी, यहाँ पर भी sp3 चलेगी। इसी तरीके से आप एक मॉलिक्यूल आप वाटर ले सकते हो, वाटर के अंदर भी आप देख ले कि यहाँ पर भैया दो हैं और ये भी दो हैं, तो एंगल कितना हुआ 104.5 डिग्री का, और यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ एंगल कितना है 107.5 डिग्री का, यहाँ एंगल कितना है 109.5 डिग्री का है। तो ये एंगल भी पढ़ लीजिएगा, वेस्पर थ्योरी पढ़ लेना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉस्टुलेट्स जरूर पढ़ लीजिएगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पर मैं BVT की बात कर दे रहा हूँ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉस्टुलेट्स पर आप ध्यान देना, मेन पॉस्टुलेट्स पर आप ध्यान देना, ये आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन पॉस्टुलेट्स इसमें अधिकतर यही समझाया गया कि बॉन्ड का जो करेक्टर होता है वो 100% कोवेलेंट होता है। कौन सा होता है? कोवेलेंट होता है। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट मर्ज किया गया, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट मर्ज किया गया, वो आपको मैंने ऊपर बता दिया। जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग शेप हो जाएगी, यानी हाइब्रिडाइजेशन से शेप भी मैच कर जाएगी, और जब शेप निकल आएगी तो आपको फिर एंगल की जानकारी भी मिल जाएगी, मैंने ऊपर आपको बताया भी है, इससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस में मैंने बता रखा है। मैं आपको जरूर मोटिवेट करूंगा इस बात के लिए कि आप जरूर पढ़ करके जाइए। दूसरा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, तो स्ट्रॉन्ग आपको पता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, है ना। हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई और एक सिग्मा होते हैं। ये कैलकुलेशन पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे टॉपिक की, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल पर भी पूरा ध्यान दीजिएगा। पीरियोडिक टेबल में जाते जाते आपको मात्र कुछ चीजें, नंबर वन एक्सेप्शंस पर फोकस करते चले जाना है। एक्सेप्शंस अगर आपने पढ़ लिए, समझ लीजिए सब पढ़ लिए। जैसे अगर मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं, तो यहां पर नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो IE है, जो IE है वो नाइट्रोजन की, यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन मोर देन ऑक्सीजन होती है। आपको पता है यहां पर P3 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहां पर P4 का कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसी तरीके से अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी में बात करूं, तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरॉन, क्योंकि यहां पर S में 2s2 हो जाता है, यहां पर आपका 2p1 हो जाता है, वैल्यू ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन इजी लॉस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो पावर होती है वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मैं बात करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगी क्लोरीन की, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन, क्लोरीन से अगर देखो तो क्लोरीन से आपको ज्यादा दिखाई देगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन, अगर मैं कहूं कि जो स्टेबिलिटी होती है वो नोबल गैसेस की ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी जो होती है सबसे ज्यादा नोबल गैसेस की होती है, तो यहां पर मैं नोबल गैसेस लिखे दे रहा हूं। और एक चीज आपको और याद रखनी पड़ेगी, जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज कौन सी, सचिन तेंदुलकर ने 1RC कार में आयरन को निकालकर कॉपर जिंक में बदला, तो भैया यहां से इलेक्ट्रॉन
का जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होता है, क्रोमियम से लेके लगभग यहाँ तक कांस्टेंट हो जाता है, और इसके बाद एट द एंड ऑफ द सीरीज इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर इंक्रीज है, यहाँ पर लगभग कांस्टेंट है, नियरली कांस्टेंट है, और यहाँ पर आपका डिक्रीज कर जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, इसके लिए एक आपको टर्म जरूर याद रखना पड़ेगा जिसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको शील्डिंग इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है वो आपको ध्यान देखना पड़ेगा। देखो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, शील्डिंग इफेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। और शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, वो डी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेती है उसकी वजह से न्यूक्लियस अंदर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ नहीं खींच पाता है, बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ नहीं खींच पाता है, उसी को शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम दिया जाता है, ध्यान देना, ठीक है ना। ये चीजें जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनसे भी जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में वो उलझा सकता है, एग्जाम में परेशान कर सकता है, इसलिए इनको जरूर पढ़ करके चले जाइएगा, ठीक है। क्योंकि कारण आपको और भी बताऊंगा, बहुत सारी बातें ये भी हैं कि चलते चलते कभी कभी हम लोग अपने फार्मूले मिस कर जाते हैं, तो वो फार्मूले हमारे मिस ना हो इसलिए मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूं, ठीक है। अगर बेरियम कार्बोनेट की सॉलिबिलिटी की बात करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल या किसी की, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम लोग यहां पर चलो एक ऑर्डर बता देता हूं, बेरिलियम कार्बोनेट हो सकता है एग्जाम में रखा हो, इसके बाद आपको दिखाई देगा कि अगर हम लोग देखें जो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा है ना, और पानी में कम, तो सब ये लगभग बेरिलियम कार्बोनेट जो कम सॉल्युबल होता है, मान के चलिए कि नहीं घुलता है, उसके बाद MgCO3 और घुल जाएगा, तो MgCO3 का ऑर्डर भी पढ़ लेना, ये और घुलेगा। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, ये थोड़ा और, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट और उसके बाद बेरियम कार्बोनेट और। लेकिन हम यहाँ पर डिसोल्यूशन की बात कम करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के जितने भी कार्बोनेट होते हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती चली जाती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती चली जाती है, जैसे मैंने लिखा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती चली जाती, सॉरी। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर एरो बना करके आपको लिखने की कोशिश करूंगा। देखो सबसे पहले मैंने बोला कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती चली जाएगी, स्लाइटली सॉल्युबल है ना, तो फिर डिक्रीज करती चली जाएगी। तो यहां दीजिए सॉल्युबिलिटी जो होगी, सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती चली, ठीक, ये बात ध्यान रखना। MgCO3 थोड़ा कम घुलेगा और कम घुलेगा और कम घुलेगा, हम उल्टा बोल गए थे, पढ़ना है। तो अब मान के चलते हैं कि बेरियम कार्बोनेट जो है लगभग इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल लगभग बोलते तो कोई भी नहीं, लगभग इनसॉल्युबल बोल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, संभावनाएं पूरी यहां पर भी है। और अगर हम लोग हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो इंक्रीज करती चली जाती है सॉल्युबिलिटी, इंक्रीज करती चली जाती है डाउन द ग्रुप। तो इनके हाइड्रोक्साइड भी चलो अच्छा देख लेते हैं, हाथ के हाथ देख लेते हैं। एक आध चीजें आपको यहां पर भी बता देता हूं, जैसे कि अगर मैं कहूं तो बेरिलियम की तो बात ना ही करूं, है ना, वो लगभग स्ट्रॉन्ग बेस भी माना जाता है, बेरियम स्ट्रॉन्ग बेस भी माना जाता है, और बेरिलियम एम्फोटेरिक माना जाता है, ये भी नोट कर लो कहीं पर। तो ये BeOH का होल ट्वाइस जो है ये एम्फोटेरिक नेचर में होता है, एम्फोटेरिक नेचर में होता है, और BaOH का होल ट्वाइस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक, ये बात याद रख लेना, काम आएगी आपको, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप नोट कर सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ MgCO3 ले लिया, सॉरी MgOH का होल ट्वाइस ले लेता हूँ, इसके बाद कैल्शियम आता है CaOH का होल ट्वाइस ले लेता हूँ, इसके बाद SrOH का होल ट्वाइस ले लेता हूँ। ये दोनों चीजें अगर मैं देख रहा हूं तो यहां पर आप कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज करती है, तो यहां से यहां तक इंक्रीज कर दो, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है, याद रहेगा आपको, और याद रखना भी पड़ेगा आपको। कारण यह है कि ये सब चीजें एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज आपको और बताऊं कि LiCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो NaCl की
कंपेरेटिवली इसलिए जो है कम हो जाता है क्योंकि वहां कोवेलेंट करेक्टर होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि LiCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है NaCl से। कारण क्या है, यहाँ पर आयनिक करेक्टर आपको दिखाई देगा, आयनिक, और यहाँ पर आपको कोवेलेंट करेक्टर दिखाई देगा। तो ये सब चीजें जरूर पढ़ के चले जाना क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मान के चलो कि अगर Na2O को कहोगे तो बताओगे कि सर ये बेसिक है, Na2O कैसा ऑक्साइड है, बेसिक है। जबकि Cl2O7 आपसे पूछा जाए तो बताना ये एसिडिक ऑक्साइड है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। मौका क्वेश्चंस करने का नहीं है, मौका है कि अगर आप इन चीजों को समझ पाते हैं तो बहुत एग्जाम में मदद आपको मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कंपाउंड है Al, देखो आपने पढ़ा भी नहीं होगा अभी तक, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने नहीं पढ़ा है। यहाँ पर Al लिख दिया, यहाँ Cl लिख दिया, यहाँ H2O का होल मैंने 5 लिख दिया और ऊपर लगा दिए मैंने 2+। अब पूछ रहा है कि बताओ कि यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर +3 निकल करके आएगी, क्योंकि वाटर 0 होता, Cl-1, बाकी आपका पता लग गया। कोवेलेंसी पूछी जाए तो कोवेलेंसी आप बता देना कि बॉन्ड कितने बन रहे, 6। तो कोवेलेंसी यहाँ पर 6 जो साइन के साथ नहीं लिखी जाती है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल से जुड़ी हुई बताई है। इनको आप कोवेलेंट करेक्टर को जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे जो शब्द हैं वो समझ लीजिए कम है, ठीक है। इन चीजों को गहनता पूर्वक पढ़ लेना, ठीक। और डाइपोल मोमेंट में एक जो मुझे याद आ रहा है कि डाई आर्थो डाइक्लोरो मेटा डाइक्लोरो पैरा डाइक्लोरो वाला भी जरूर पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं है। और NaCl MgCl2 AlCl3 का कोवेलेंट करेक्टर भी देख लेना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि NaCl MgCl2 और AlCl3 में कोवेलेंट ज्यादा कौन है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगे हैं, है? कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है, कोवेलेंट करेक्टर का ये कौन सा ऑर्डर है, कोवेलेंट करेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ध्यान देना। तो अब आप इन चीजों को थोड़ा सा गहनता पूर्वक पढ़िएगा। बाकी चीजें तो मैं बता ही रहा हूं, लगातार आपको दे ही रहा हूं नोट्स, और हिंट भी मैंने पूरे चैप्टर के साथ में दिए। स्टेट ऑफ मैटर में आ जाइएगा तो भाई मेरी उम्मीद वैंडरवॉल से पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा लगाव है, और वैंडरवॉल पूछी भी जाएगी इसका भी मुझे पूरा भरोसा है, इसका भी मुझे पूरा भरोसा है। तो आप लोगों को वैंडरवॉल नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर। वैंडरवॉल गैस इक्वेशन जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि वैंडरवॉल से क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो आज मैं टॉपिक बता रहा हूं, ये टॉपिक अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, महा इंपॉर्टेंट है। तो गैसेस स्टेट से जुड़ी ही बातें भी करूंगा, सॉलिड से भी बातें करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं हेडिंग बना देता हूं आपके लिए, गैसेस स्टेट। अगर आपने ये फार्मूले नहीं पढ़े तो भाइयों पढ़ के चले जाओ, मेरी बात मान लो, अभी भी मान लो, मौका है। वैंडरवॉल की इक्वेशन आपको क्या पढ़नी, P+AN²/V² ये पढ़ लेना, V-NB=NRT, ये फार्मूला अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और आपको यहाँ पर A के बारे में जानकारी रखना है कि A क्या है, B की जानकारी रखना है कि B क्या है, इन दोनों जानकारियों को भी अपने साथ रखना है क्योंकि इनकी जानकारी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको बताऊंगा, ये रिड्यूस्ड वॉल्यूम है, ये रिड्यूस्ड वॉल्यूम बोला जाता है, और ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स यानी मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन बोला जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये रिड्यूस्ड वॉल्यूम पढ़ लेना, रिड्यूस्ड वॉल्यूम मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन ये पढ़ करके चले जाना। इनकी यूनिट भी याद कर लेना, यूनिट मैंने कई बार निकलवाई भी है, अगर आप
एक यूनिट जानना चाहते हैं तो एक यूनिट आपको एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर है, तो यहां पर एटीएम लीटर स्क्वायर और मोल माइनस टू है यूनिट, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। बी की यूनिट आपको पता है, बी लीटर पर मोल होती है, सिंपल यहां पर लीटर पर मोल होती है। लेकिन एक चीज आपको और याद रख लीजिए, मेरे हिसाब से कहीं पास्कल में पूछ लिया जाए तो क्या होगी, तो पास्कल में पास्कल मीटर की पावर 6 हो जाती है, ध्यान देना पास्कल में अगर पूछी जाए तो पास्कल और मीटर की पावर 6 जाएगी, मोल की पावर माइनस 2 जाएगी, याद रख लेना। अगर एट डेसीमीटर क्यूब में पूछी जाए तो यहां पर एटीएम ले लेना और यहां डीएम जो होगा वो 6 हो जाएगा, तो यहां डीएम की पावर क्योंकि स्क्वायर है ना तो डीएम का 6 हो जाएगा और मोल माइनस 2 हो जाएगा। तो ये यूनिट भी आपको मेरे हिसाब से भैया पढ़ के जानी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन कब क्या पूछ लेगा कोई पता नहीं होता है। इसी तरीके से यहां लीटर है तो डीएम क्यूब लिख सकते हो, इसकी बी की यूनिट में आपको डीएम क्यूब मोल इनवर्स लिखना पड़ेगा, तो ऐसी यूनिट भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। ये यूनिट किसकी मैंने आपको बता दी, लीटर पर मोल या मीटर क्यूब में पूछी जाए तो मीटर क्यूब और पर मोल भी लिख सकते हो आप, तो यहां पर एक यूनिट और बढ़ा लो मीटर क्यूब पर मोल। तो ऐसी यूनिट को आप जरूर पढ़ लेना जो आपने अभी तक एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ी है, क्योंकि ये हमारी वीडियो आपको वरदान साबित होगी। ये मुझे एटम बम पर पूरा भरोसा है, जो मैंने आपको एटम बम दिया है इस एटम बम पर आप पूरी तरीके से विश्वास करके जाइएगा। फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ पर भी आप पूरे ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा फोर्स कहां पर होता है, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेंथ। भाई अगर वीकेस्ट का केस सॉलिड में सबसे कमजोर फोर्स होता है, हैं पता है, तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड और लिक्विड और गैस में देखें तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां स्ट्रांग होगा, यहां मैं लिख देता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल किसके स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, सॉलिड के होते हैं, अभी मुंह से धोखे से गैस निकल गया था, देखो यहां पर वीक होगा गैस में, ये सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, जब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। गैसेस का केस देखोगे, पहले लिक्विड का देख लो, लिक्विड में थोड़ा सा कमजोर हो जाता है फोर्स, इस तरीके से लिक्विड में कमजोर हो गया, गैस में सबसे कमजोर हो जाता है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बेचारे रैंडमली घूमते हैं, इधर उधर घूमेंगे तो इनमें फोर्स थोड़ा सा कमजोर माना जाता है, तो ये बात दीजिएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सॉलिड के अंदर सबसे स्ट्रांग फोर्स, उसके बाद लिक्विड में आ जाता है, उसके बाद आपका गैस में आ जाता है। इसको जरूर देख लीजिए, एग्जाम देने से पहले वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं आपको सलाह दूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन की बात करता हूं तो जरूर पढ़ लेना इसे भी, आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पर विशेष ध्यान देना है। इसके फार्मूले की ब्रैकिंग जरूर पढ़ लीजिएगा, जैसे पी इज इक्वल टू एन अपॉन वीआरटी, अब इसकी भी ब्रैकिंग पढ़ लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल मास अपॉन क्या हो जाता है मोलर मास इंटू वॉल्यूम वीआरटी। इसी तरीके से आइडियल गैस इक्वेशन को ध्यान से आप पढ़ करके चले जाना, इसमें भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर को एक बार रिवाइज कर लेना, कुछ नहीं करना है, रिवीजन किस चीज का करना है, डेफिनेशन का करना है, रिवीजन डेफिनेशन का करना है और कुछ नहीं करना है। क्रिटिकल टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, द गैस विच इज लिक्विफाइड एट द गिवन प्रेशर एंड गिवन टेम्परेचर इन वॉल्यूम इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। इसी तरीके से वॉल्यूम भी आप वही कंसिडर कर लीजिएगा, पढ़ लेना। और एक चीज और याद रखना जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही गैसेस स्टेट में, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, इसकी वैल्यू आपको याद रखना 2 कैलोरी होती है, 2 कैलोरी याद रख लेना, और अगर जूल में याद रखना तो 8.314 जूल होता है। CP अपॉन CB ये भी बहुत पूछा गया है, इसको पॉइजन्स कांस्टेंट बोलते हैं, और CB जो होता है वो आपका 3 कितना होता है, CB जो होता है निकालते हैं भी, CB इज इक्वल टू हो जाता है 3/2 R हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। CP जो हो जाता है वो आपका 5/2 R हो जाता है, ये भी पढ़ा होगा, तो
गामा इज इक्वल टू 1.66, ये पूरा फार्मूला मोनो एटॉमिक के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? मोनो एटॉमिक के लिए। तो यहां पर पूरा फार्मूला मैं मोनो एटॉमिक के लिए लिख देता हूं। जो डाई एटॉमिक गैसेस होती हैं, डाई के लिए याद रखना, डाई एटॉमिक जो गैसेस होती हैं, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए सीबी जो होता है वो 5/2R हो जाता है और सीपी जो होता है वो 7/2R हो जाता है, 7/2R। तो गामा जो पॉइजन्स कांस्टेंट 1.40 आ जाता है, ये डाई एटॉमिक के लिए आ जाता है, ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन इनका वेरी लो होता है ना, इसलिए इनको हम लोग लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे कम जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो किसका होगा, वो याद रखना हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन का होता है। लो क्रिटिकल टेम्परेचर, लो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो किसका होगा, वो होगा आपका हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन का। इसलिए लिक्विफाई आसानी से नहीं की जा सकती है, बात ध्यान देना, ठीक है। प्रोटॉन्स रूल आपको पता होना चाहिए, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन का प्रोटॉन रूल है, तो प्रोटॉन रूल आप पढ़ लेना, हालांकि आने की उम्मीद इसकी कम है। तो होता क्या है, TRUTON प्रोटॉन्स रूल, ये प्रोटॉन्स रूल जो है वो अधिकतर हाईर कंपटीशन में आता है, उम्मीद है कि नहीं आएगा, लेकिन अब मेरा मुंह से निकल गया तो बताऊंगा जरूर, क्योंकि क्या पता, डेल्टा एच अपॉन वी अपॉन टीबी इज इक्वल टू होता है 88 joule per kelvin per mole। ये तो फार्मूला हो गया। अब द मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड एक्सप्रेस्ड इन जूल, ठीक है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ ए लिक्विड, जो भी है एब्सोल्यूट स्केल पर अगर हम लोग निकालते हैं तो वो वैल्यू 88 के अकॉर्डिंग आती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉटन्स रूल बोलते हैं। और गुल्डबर्ग रूल अगर देखोगे तो गुल्डबर्ग रूल को भी आप पढ़ लेना, जिसको बोलते हैं गुल्डबर्ग रूल। अब ये गुल्डबर्ग रूल भी आपने नया ही सुना होगा, अभी आपने जल्दी ये चीजें नहीं सुनी होंगी, चूंकि याद आ रही हैं तो आपको फटाफट में बताता चल रहा हूं। मैंने बहुत मुश्किल से सब चीजें कलेक्ट करी हैं कि आपको याद दिला दूं। 2.30 नहीं लिखा मैंने, टीसी यहां पर लिख दीजिए। तो दोनों एब्सोल्यूट स्केल पर ही निकाली जाती है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। इतना पढ़ करके जाइएगा गैसेस स्टेट में, बाकी तो है बहुत कुछ, लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने आपको यहां पर बता दी। थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो थर्मोडायनेमिक्स में भी आप ये चीजें रिवाइज कर लो। एटम बम इसी को बोलते हैं, छोटी सी चीज में ज्यादा गागर में सागर भर दिया है मैंने। यहां पर चले जाइए थर्मोडायनेमिक्स, यहां से जो आने की उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है वो हैस लॉ बिल्कुल रखा हुआ है, नोट करो हैस लॉ। ये कहता क्या है कि टोटल हीट ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट आइदर प्रोसेस कंप्लीट इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप। तो हैसिस लॉ अगर देखोगे तो हैसिस लॉ में डेल्टा एच जो टोटल होगा वो बराबर हो जाएगा डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री के, ये आपको पता होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू भी बोलते हैं। यहां पर डब्ल्यू नेगेटिव पॉजिटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम के हिसाब से आप अपना सेट करिएगा। एक फार्मूला ये भी याद रखना, W इज इक्वल टू माइनस का 2.303 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन, इसको पढ़ लेना। फोर्थ पॉइंट पढ़ लेना डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, इस फार्मूले को पढ़ लेना। फिफ्थ में फार्मूला पढ़ लेना आपको डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी, इस फार्मूले पर इंपॉर्टेंट लगाइए, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना यहां से बनी हुई है। यहां पर अधिकतर वैल्यू पूरी पूछ लेते हैं, कभी कभी डेल्टा एन निकलवा लेते हैं, जैसे एन टू प्लस थ्री एच टू इज इक्वल टू टू एन एच थ्री, डेल्टा एन आपसे निकलवा दिया। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यानी कि 2 - 4 इज इक्वल टू माइनस टू, उससे फार्मूले में वेरिएशन आ जाता है, वो चीज भी आप ध्यान से पढ़ करके जाइएगा, छोड़ना नहीं है। एंट्रोपी पर क्वेश्चन बनेगा, एंट्रोपी, अब एंट्रोपी किसकी ज्यादा होती किसकी कम होती यही आने की मुझे उम्मीद भी दिखाई दे रही है, और क्या सत्य होगा नहीं पता नहीं, लेकिन गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है,
उसके बाद आपकी लिक्विड की एंट्रोपी होती है, रैंडमनेस होती है ना इसलिए, और सॉलिड की उससे कम हो जाती है। तो सबसे कम एंट्रोपी आपको सॉलिड की ही दिखाई देगी, इसी को पढ़ करके चले जाइएगा। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लेना भाइयों, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको एग्जामिनेशन में तुरंत क्लिक करेंगे माइंड पे, फट से आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप पढ़ लेना इनको, ध्यान से पढ़ करके चले जाना। तो ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ी हुई बातें आपको बता दी, इसी तरीके से आपको इक्विलिब्रियम से जुड़ी हुई कुछ बातें भी बता देता हूं। इक्विलिब्रियम, देखिए यहां पर आयनिक और केमिकल दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूं मैं, दोनों की बातें बताऊंगा। आयनिक और केमिकल यहां पर अगर मैं इक्विलिब्रियम से जुड़ता हूं तो इक्विलिब्रियम में दो पार्ट हो जाते हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आयनिक। एक तो ली चैटेलियर, मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों मन में आ रहा है कि ली चैटेलियर रखा हुआ है, ली चैटेलियर। अब ली चैटेलियर में एक ही चीज भाई, एक तो कंसंट्रेशन पूछते नहीं है, प्रेशर का इफेक्ट पूछते हैं, टेम्परेचर का पूछते हैं, और कंसंट्रेशन का बहुत कम पूछते हैं। तो कंसंट्रेशन को मैं लास्ट में लिख दे रहा हूं। अधिकतर जो इफेक्ट पूछते हैं वो प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट ही पूछा जाता है एग्जामिनेशन में भाइयों। तो इस चीज को भी आपको बहुत गहनता से पढ़ लेना है, छोड़ना नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, और 100% इसको पढ़ करके जाना है एग्जामिनेशन। दूसरी चीज है कौन सी रिएक्शंस पढ़ें ली चैटेलियर में। तो ली चैटेलियर में मेरे अकॉर्डिंग जो आप पढ़ें वो होनी चाहिए एक H2+ I2 रिवर्सिबल 2HI पढ़ें, एक रिएक्शन 2SO2+O2 रिवर्सिबल 2SO3 पढ़ें। यहां पर हीट निकलती है, मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तो यहां पर हीट एनर्जी कर दे रहा हूं, यहां पर माइनस कर दे रहा हूं। इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में मदद आपको करेंगे। एक अमोनिया वाली भी पढ़ लेना क्योंकि कॉमन है, N2+3H2 रिवर्सिबल 2NH3, ये भी पढ़ के चले जाना, और हीट यहां पर भी निकलती है। एक तो ये पढ़ना, दूसरा आपको यहां पर केसी का रिलेशन, यानी केसी और केसी इज इक्वल टू केसी, केपी इज इक्वल टू केसी, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एन का फार्मूला, और साथ में केसी डैश और केसी में रिलेशन, जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के बहुत सारे रिलेशन आपको मैंने बताए हैं, उसी तरीके के रिलेशन भी यहां पर पढ़ के चले जाना। इसी के साथ साथ नेक्स्ट में जो आप पहुंचोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, पढ़ लेना भैया, कतई मुझे लग रहा है आ जाएगा। एक तो पीएच की डेफिनेशन पूछना, पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एक तो ये पूछ सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, एक फार्मूला पीएच प्लस POH is equal to 14, ये भी पूछा जा सकता है। ये पूछ सकते हैं कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो OH के कंप्रेशन में, तो सॉल्यूशन आपको सिंपल सा पता है एसिडिक होना चाहिए। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लेस हो जाती है OH के कंप्रेशन में तो बेसिक हो जाना चाहिए, और अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाना चाहिए, ये बात भी पढ़ करके चले जाना, ठीक है। और इसी पर जुड़ा हुआ एक सवाल भी आता है कि पीएच एक्वस सॉल्यूशन की पीएच एक्वस एससीएल, तो आप बताना कि पीएच एक्वस एससीएल की 6.9 के आसपास या मोर देन 7 आप बोल करके आइएगा। और एक इक्वेशन जिस पर मेरा पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है कि आ सकता है, एंडरसन हैसलवॉक इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन मानी जाती है, एंडरसन हैसलवॉक इक्वेशन। ये इक्वेशन एग्जाम में उम्मीद है पूछी जाएगी, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, इसको भी रिवाइज करके चले जाना, छोड़ना मत किसी भी कीमत पर, बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहा हूं 100%। अगर यही पीओएच के टर्म में आए तो यहां पीके भी कर देना, कुछ नहीं करना है आपको, घबराना नहीं किसी भी कीमत पर, ये काम भी कर लीजिएगा। एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना, एग्जाम्पल लुइस एसिड और आर्गेनियस एसिड,
आरहेनियस एसिड बेस कंसेप्ट के एग्जाम्पल भी आप रिवाइज कर डालिए। और अभी मैं आपको सिंपल ये बताऊं कि आप कहीं कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ हमारी वीडियो देखिए, इससे बहुत सारी मदद आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगी और ये मदद भी आपके लिए कारगर होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी ना जो मैंने आपको बताई। अब आगे चल लेते हैं हम लोग इसी के आगे, एसपीडीएफ ब्लॉक, फिर ऑर्गेनिक आपको बता देता हूँ, सब चीजें आपको महत्वपूर्ण लगेंगी। देखिए अगर मैं एस और पी ब्लॉक की बात करता हूं, यहां पर यहां लिख देता हूं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में अगर आप फुल रिवीजन, फुल एटम बम पर चले गए तो एक तो आपको सभी के एसिडिक और बेसिक करेक्टर को ध्यान देना है। देखिए कौन एसिडिक होता है कौन बेसिक, तो यहां पर एसिडिक और बेसिक करेक्टर को पढ़ लेना है। जैसे अगर मैं कहूं कि यहां पर LiOH कम बेसिक होता है एज कंपेयर टू NaOH, एज कंपेयर टू KOH, एज कंपेयर टू RbOH, एज कंपेयर टू CsOH, इंक्रीज करता है बेसिक करेक्टर, इंक्रीज करेगा क्योंकि हाइड्रोक्साइड जो आयन जल्दी, कोवेलेंट करेक्टर घटेगा, आयनिक करेक्टर बढ़ेगा, ये बात ध्यान देनी है। इसी तरीके से एस ब्लॉक में कुछ नाम है कंपाउंड के, नेम जरूर पढ़ लेना, जैसे कि CaO को क्या बोलते हैं, इसे क्विक क्लाइम बोलते हैं, कभी कभी गलती होती है, क्विक क्लाइम बोलते हैं ना, और CaOH का होल ट्वाइस, इसे आप लोग लाइम वाटर बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं, तो लाइम वाटर को भी भैया ध्यान देना क्योंकि लाइम वाटर भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और ये सरल, चूंकि ये पेपर जो है बहुत कठिन तो आता नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये आपसे पूछा जा सकता है, संभावना पूरी बैठ रही कि ये बहुत सिंपल है, और सिंपल होने के साथ साथ आदमी छोड़ देगा, बोले चलो यार ये हो जाएगा हमसे, कर लेंगे हम इसे, ठीक है। इसी तरीके से एक आप फार्मूला बोरेक्स का जरूर पढ़ लीजिएगा, बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है, Na2B4O7, यही होता है Na2B4O7.10H2 होता है, NH2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरेक्स बोलते हैं, बोरेक्स बोलते हैं, ठीक है। रॉक सॉल्ट एन एस, साल्ट पेट्रे पढ़ लेना, साल्ट पेट्रे, तो साल्ट पेट्रे क्या होता है, साल्ट पेट्रे आपको पता होने, NaNO3 को हम लोग बोलते हैं साल्ट पेट्रे, साल्ट पेट्रे बोलते हैं, ठीक है, एक साल्ट पेट्रे ये पढ़ लेना। और जहां तक मैं जान पा रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि एस ब्लॉक में एक प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम भी आपसे पूछा जा सकता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम इसलिए भी ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि इनके फार्मूलों में मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया जिप्सम का फार्मूला बताओ, तो जिप्सम का फार्मूला सबको पता है, जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2 होता है ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं CaSO4.2H2O, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, ये जिप्सम हो गया। अब आप जानते हैं कि अगर आपने जिप्सम को गर्म किया, ठीक है, अगर आपने जिप्सम को जैसे ही गर्म किया तो जिप्सम गर्म करने पर क्या बना सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनता है जिप्सम को गर्म करने से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या चीज रह जाए, या तो इसको हाफ करो या इसका ट्वाइस करो, तो CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O लिखो, या फिर CaSO4 डॉट हाफ H2O लिखो, ये दोनों बातें एक ही हैं, इनको आप POP बोलते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये फार्मूला भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यही चीजें मुझे जो संभावित लगती हैं वो मैं आपको बताता हूं, और वो संभावनाएं भी मेरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मदद जरूर करेंगी, और इसलिए भी करेंगी कि एग्जामिनेशन में ये चीजें आती हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही बता रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी मैंने अभी आपको पीछे बताई थी, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी अगर आप देखोगे तो ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज कर जाती है, कार्बोनेट की डिक्रीज करती है, और हाइड्रोक्साइड की क्या करती है, इंक्रीज करती है। जैसे कि अगर आपसे कहें BeOH का होल ट्वाइस, BeOH का होल ट्वाइस कम घुलेगा, MgOH का होल ट्वाइस थोड़ा ज्यादा घुलेगा, और जबकि कार्बोनेट कम थे ना, उल्टा था इसका, CaOH का होल ट्वाइस और कम हो जाए और ज्यादा हो जाएगा, SrOH का होल ट्वाइस और उसके बाद BaOH का होल ट्वाइस एंड सो ऑन, ये फार्मूला भी आपको पता रहने चाहिए, है ना, ये सब चीजें याद रखना, माइंड में सेट रखना है,
इसी तरीके से एग्जामिनेशन में मदद आपको मिलती रहेगी। अब हम लोग चल लेते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक देखो, पी ब्लॉक में क्या होगा, पी ब्लॉक में आपको सबसे इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग जो है वो एक तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको शुरुआत से, बोरिक एसिड का फार्मूला। अब बोरिक एसिड या आर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं उसको, है ना। एक तो बोरिक एसिड याद रख लेना, यहां पर मैं लिखता चल रहा हूं, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, मत देखिए, और नहीं है तो। एक तो बोरिक एसिड, ये एंटीसेप्टिक भी है, आई इससे वॉश की जाती है, H3BO3 इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या आपने सुना होगा कि जो बोरिक एसिड है वो बोरिक एसिड को हम लोग जो है वो वाटर में जब डिजोल्व कर देते हैं तो H पॉजिटिव आयन दे देता है, तो उस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं कि आयनिक फॉर्म में कैसे, जैसे यही है। अब मान लो हमने H3 ले लिया और BO3 को अगर हम लिखें तो H यहां पर हम लिख सकते हैं, H लिखा मैंने और BO3 का होल 4 लिख सकते हैं, ले जाओ, नहीं BOH का होल 4 लिख सकते हैं, तब आ जाएगा H3BO4। ये हो गया आपका BOH का होल 4 बनाएंगे, अभी 3 ले लो और इसे आप जो है पानी में घोल दो या फिर बेस में घोल दो, चलो बेस में क्योंकि एसिडिक नेचर है, बेस में घोल के देख लेते हैं, तो बन जाएगा BOH का होल 4 सॉल्ट बनाते हैं ना, यहाँ पर नेगेटिव हो गया और Na यहाँ पर पॉजिटिव सॉल्ट हो गया। इसे गर्म कर दो तो NaBO2 भी बना लेता है, वो जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, है ना। इसके बाद एक एग्जाम्पल डाइबोरेन भी बहुत पूछते हैं, तो डाइबोरेन को भी पढ़ लीजिएगा। डाइबोरेन जो मैं बता रहा हूँ वरदान है आज आपके लिए, ये डाइबोरेन का फार्मूला B2S6। डाइबोरेन जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, ये आपको बहुत बहुत बारीकी से पता है, बहुत बारीकी से पता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, और इनऑर्गेनिक बेंजीन को आप लोग यहां लिख देता हूं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। और इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में अगर आपको जानकारी है तो बता देता हूं, बी 3 हो जाएंगे, N3 हो जाएंगे और H कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ये है। और अगर इसके स्ट्रक्चर को भी पूछा जाए तो स्ट्रक्चर भी भैया बना लेना, यहां पर एक बी फिर एक एन, यहां पर भी एन, फिर यहां पर एक बी, यहां पर भी एक बी, बना देना स्ट्रक्चर ध्यान से और रिमाइंड भी कर लेना इसको, खट से माइंड में रोके रहना। यहां पर आ गया आपका एन, हर जगह एक एक एच अटैच कर दो, बेंजीन से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर माना जाता है, बेंजीन का डेरिवेटिव माना जाता है, डेरिवेटिव तो नहीं कह सकते, बेंजीन सिमिलरिटी मानी जाती है स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी, ठीक है। यहां से चाहे ऐसे बना देना चाहे सिंगल बॉन्ड से भी बना देना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, अल्टरनेट होने चाहिए, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा जो गलती आपसे ना हो, ये अल्टरनेट करिएगा। ठीक है, अल्टरनेट बनाए, कैसे बनाए, अल्टरनेट बनाए, ये कर लीजिएगा। इसके बाद बोरोसैलिसिलिक एसिड सुना है आपने, अगर नहीं सुना है तो सैलिसिलिक एसिड तो सुना ही होगा, और सैलिसिलिक एसिड अगर बोरोसैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जाए तो कैसे बनाओगे आप, वो आप सुन लो, नहीं पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है आपने आज नहीं पढ़ा होगा, और अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात। बोरोसैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड का पहले सॉल्ट बनाओ, ये ओ नेगेटिव हो जाएगा ना, ओ अभी नहीं बनाना, यहाँ पर आपका ओ एच होता होगा तो ओ छोड़ दो, इन दोनों को बी से जोड़ो आप, बी, ठीक है, फिर इधर लाओ ओ, इधर लाओ ओ, ठीक है, फिर आगे सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पर आपका जाने दे सीधा, और इसको आप ऐसे कर लो, ऐसे बना दो, ये हो गया आपका बोरोसैलिसिलिक एसिड। अगर नहीं सुना तो आज बना लीजिए फटाफट, बोरोसैलिसिलिक एसिड। ये फार्मूला कहीं पूछ लिया धोखे से, बोरॉन नाइट्राइड तो जानते हो गए आप, बोरॉन नाइट्राइड भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के चले जाइएगा एग्जाम में, वो भी पूछ सकते हैं बोरॉन नाइट्राइड। और एक चीज और कि कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इन दोनों में डिफरेंस, SiO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिफरेंस भी बड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम ने ये भी, मैंने देखा कि अक्सर इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है भाई, वीक वैन डर वाल फोर्स होंगे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये सॉलिड होता है, ये गैस फॉर्म में होता है, है ना। और यहाँ पर जो SiO2 होता है वो SiO4 यूनिट की आपस में
कनेक्शन रहता है भाई, SiO4 यूनिट जो होती है वो आपस में जुड़ी रहती है, और हर सिलिकन चार ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा, बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको भी पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि कुछ चीजें एग्जामिनेशन में ऐसी होती हैं जो एट रैंडमली हमको याद रहनी चाहिए, वहां समझौता नहीं हो पाता है, वहां समझौता नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब यहाँ पर चारों ऑक्सीजन पर निगेटिव लगा लेना, SiO4 है तो चारों तरफ से कनेक्शन हो जाएगा, और जब चारों तरफ से कनेक्शन हो जाएगा तो फिर SiO4 यूनिट आपस में कनेक्टेड होती चली जाएगी। तो यहाँ पर आप चार नेगेटिव मान करके चलिएगा, तभी आप कनेक्शन कर पाएंगे। मैंने दिखाया तो अभी आपको एक ही दिखा रहा हूं मैं, एक दिखाने का पर्पस क्या है, एक दिखाने का पर्पस ये कि भाई आपस में आप कनेक्ट कर लें। तो फिलहाल यहाँ पर चार ऐसे लगाओगे ना, वैसे मैं आपको बता, एस आई यहाँ पर ओ ओ ओ ओ ऐसे कर, फिर आगे कंटिन्यू करना, तभी तो नेगेटिव लगाना, ठीक है। CCl4 जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, नहीं होता, नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, जबकि SiCl4 हो जाएगा हाइड्रोलाइज हो जाएगा ये, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ d ऑर्बिटल है, यहाँ पर d ऑर्बिटल नहीं है, इस बात का भी आपको गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ये बात आप अगर, ये छोटी छोटी बातें हैं एग्जामिनेशन में बड़ा काम आती है, और मैं अक्सर यही करता हूं कि ये सब चीजें आपको माइंड में सेटअप बन जाए, आप अच्छे से निकल जाए, आपको ये सब चीजें मदद करें, यही मेरी एक ईश्वर से कामना भी रहेगी और उम्मीद भी रहेगी कि भाई आप फटाक से जो है अपना बिहार स्टेट क्वालिफाई करें और बीपीएससी की प्रिपरेशन करें बढ़िया ढंग से। इसके बाद चल लेते हैं हम लोग पी ब्लॉक में ही, छोटी छोटी और बातें आपको बताता हूं। जैसे कि आपको NCl3 की जानकारी है कि NCl3 होता है, NCl5 नहीं होता है, Not possible और ये possible। यहाँ पर d orbital की problem है, d orbital absent होती है, d orbital absent होती है, ठीक है, ये याद रखना। दूसरी चीज आपको ये भी याद रखना चाहिए नाइट्रोजन फैमिली में कि अमोनिया का जो अगर मैं देखूं तो अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लोन पर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से पास में रहता है, तो बॉन्ड एंगल इसका थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बॉन्ड एंगल ज्यादा रहता है, बॉन्ड एंगल पीएच थ्री का उससे थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद आर्सेनिक का भी थोड़ा सा कमजोर पड़े, एसबी का भी सबसे कमजोर पड़े, और बिस्मथ का, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर डाउन होती चली जाती है और बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता चला जाएगा, क्योंकि लोन पेयर दूर भागेंगे तो बॉन्ड पेयर पर इफेक्ट करेंगे। ये रिड्यूसिंग करेक्टर की भी मैं बात कर लेता हूँ, जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो भी डिक्रीज कर जाएगी, क्यों कर जाएगी, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि जो है वो साइज बढ़ जाता है। जबकि आपको एक जानकारी ये भी रहनी चाहिए कि बेसिक करेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर नाइट्रोजन पर ज्यादा होती है, ये ज्यादा बेसिक माना जाता है, ये मोस्ट बेसिक होता है, अमोनिया मोस्ट बेसिक होता है, ये ज्यादा बेसिक, अवेलेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा रहती है, ये बात भी आपको ध्यान, ये बी आई लीस्ट बेसिक होता है, ये बात आप याद रखिएगा। और अगर हम लोग नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं, वाटर वाले ग्रुप में H2O ले लेते हैं, H2S ले लेते हैं, और उसके बाद H2SE ले लेते हैं, H2SE, और उसके बाद H2TE ले लेते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि यहां से एसिडिक करेक्टर तो बढ़ता है, एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, ये ज्यादा एसिडिक एंड सो ऑन, ये एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, तो यहां लिख देता हूं एसिडिक करेक्टर, यही पूछा जाता है, एसिडिक एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, और रिड्यूसिंग करेक्टर भी बढ़ता है, रिड्यूसिंग करेक्टर क्योंकि बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही अगर मैं HF की बात करूं, HCl की बात करूं, HBr की बात करूं, HI की बात करूं, तो यहां पर एसिडिक करेक्टर यहां पर भी इंक्रीज कर जाता है, क्यों कर जाता है, क्योंकि बॉन्ड की डिस्टेंस बढ़ जाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाती है, ये बात भी ध्यान आपको रखनी चाहिए, ये कुछ पॉइंट है। बाकी आपको ये याद रखना है कि नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में एक तो अमोनिया का ओस्टवाल्ड प्रोसेस याद रखना है, H2SO4 में कॉन्टैक्ट प्रोसेस याद रखना है, ये दोनों चीजें आप याद कर लीजिए, इन्हीं की इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए ध्यान से, ठीक है। इसके बाद चले आइए डी ब्लॉक में, अगर मैं बात करता हूँ डी ब्लॉक में, अगर बात करता हूँ तो कुछ नहीं करना है, डी ब्लॉक में मात्र कुछ चीजें पढ़नी है, डी ब्लॉक
डी ब्लॉक में बहुत ज्यादा गहराई तक आपको नहीं जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत नहीं आएंगे, लिमिटेड आएंगे। नंबर वन, एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यही शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यही शो करेंगे जितने भी कंपाउंड है। दूसरा, ये एलॉय फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं, एलॉय फॉर्मेशन, क्योंकि इनके अंदर हाई चार्ज डेंसिटी होती है, वैलेंसी वेरिएबल होती है, एलॉय फॉर्मेशन की मिक्सअप आसानी से साइज में स्मॉल होते हैं। और तीसरा जो है वो ये कैटलिस्ट की तरह इफेक्ट करते हैं, कैटलिस्ट की तरह इफेक्ट का, कौन सा कैटलिस्ट कहाँ काम आएगा ये आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी है। और इसके साथ साथ आपको डी ब्लॉक में एक तो KMnO4 की एसिडिक मीडियम में प्रॉपर्टी, K2Cr2O7 की एसिडिक मीडियम में प्रॉपर्टी जरूर पढ़ लेना है। कलर कौन कौन सा होता है, कलर भी आपको याद रखना है, ये पर्पल कलर बोला जाता है और ये आपका ऑरेंज कलर का बोला जाता है, ये कलर भी आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक रेडियस पर भी क्वेश्चन मैंने अभी स्कैंडियम वाला बताया ऊपर, एटॉमिक रेडियस पर भी फोकस करना, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पर चले आइए, तो कोऑर्डिनेशन पर चल लेते हैं। कोऑर्डिनेशन में अगर आपको ध्यान देना है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कलर फॉर्मेशन जिसमें आपको डी टू डी ट्रांजिशन मैंने कई बार बताया है, इस पॉइंट को पढ़ना, एक IUPAC पढ़ लेना, कोई सा आइडिया मिल जाए, जहां तक उम्मीद है NiCO का होल 4 का IUPAC पूछ सकते हैं, AgCN का होल ट्वाइस पॉजिटिव का IUPAC पूछ सकते हैं, K4FeCN का होल 6 का IUPAC पूछ सकते हैं, K3FeCN का होल 6 का भी IUPAC पूछ सकते हैं, IUPAC पढ़ लेना। तीसरा पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो है मिस्ड मेटल का कंपोजिशन में 90% ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिमेनिंग आपका आयरन कार्बन, ठीक है, रिमेनिंग आपका आयरन भी इसी में ट्रांजिशन में चला जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, बोरॉन कार्बन सिलिकॉन, तो यहाँ पर सिलिकॉन भी ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, हाइड्रोजन, ये छोटे छोटे एलिमेंट भी होंगे मिश्र मेटल में। ठीक है, तो आयरन तो रहता ही है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मिश्र मेटल जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ के जाइएगा आप। इसके बाद चले आना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, ये तो सब पढ़ ही लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कुछ बातें मैं आपको महत्वपूर्ण बता देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर मेरा फुल वीडियो भी पीछे पड़ा हुआ है, उसको देखिएगा, लेकिन चलते चलते ये बातें आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यही बातें आपको महत्वपूर्ण लगेंगी। नंबर वन, जहां से मैं बता रहा हूं समझने की कोशिश कर रहा हूं, एक तो SN1 एंड SN2 का ऑर्डर याद रखना, SN1 में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री चलता है और SN2 में इसका उल्टा चलता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो आपको रेसिमाइजेशन इन्वर्जन और आपका रिटेंशन, एक तो रिटेंशन पढ़ लेना, रिटेंशन इन्वर्जन और रेसमिक मिक्सचर, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, हैं, ध्यान दीजिए इन पर, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, संभावनाएं पूरी हैं एग्जामिनेशन में, हैं। इसके बाद क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन भी पूरी उम्मीद कर रहा हूं, क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट को इसलिए जरूर पढ़ना क्योंकि ये कीटोन और एल्कोहल दोनों शो करते हैं, लेकिन दोनों में कौन सा ग्रुप होता है याद रखना, कीटोन में ये जरूरी है या एल्डिहाइड में, जबकि बैलेंसी आप इसकी 4 रखिएगा, बैलेंसी 4 ही होती है ना, ऐसे
या फिर अल्कोहल के अंदर ये ग्रुप होना चाहिए, ऐसे है ना। क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शन है वो CHCl3 की ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन के साथ, वो एसीटोन के साथ, पढ़ लेना, CHCl3 और आपकी ऑक्सीजन के साथ। मैंने कई बार बताया कि COCl2 बनता है ना, बैलेंस आप कर लेना, 2 लगा लेना, यहाँ भी 2 लगा लेना, 2HCl निकाल लेना, और इसके बाद एसीटोन से भी पढ़ लेना, क्लोरीटोन जहाँ पर बनता है, क्लोरीटोन जहाँ पर बनता है, एक तो ये पढ़ लेना। दूसरा अल्कोहल फिनॉल ईथर में चले आइएगा, तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में एसिडिक करेक्टर, फिनॉल का एसिडिक करेक्टर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, इसको पढ़ लेना, क्योंकि फिनॉल ये तो मानते ही हो आप कि ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल, एक तो ये, क्योंकि यहां पर प्लस आई लग जाता है, यहां पर माइनस एम इफेक्ट लग जाता है, एच जल्दी रिलीज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाते हैं। दूसरा, अगर मैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल में से पैरा ले लेता हूं, तो पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक हो जाता है एज कंपेयर टू केबल फिनॉल, थोड़ा कम एसिडिक हो जाता है एज कंपेयर टू मिथाइल, यानी क्रिसोल की बात करूं तो क्रिसोल को आप कंपेयर कर लो, ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, संभावित है, आने के चांस भी ज्यादा है, हैं? इसी के बाद आप एक चीज और जानिए कि इसी में आपका टेस्ट भी आ सकता है, टेस्ट भी आ सकता है। अब टेस्ट में एक तो ये पूछ सकते हैं कि फिनॉल कट बाई फिनॉल में FeCl3 डालो, C6H5OH में FeCl3, तो वायलेट कलर मिलता है, आपको ये टेस्ट भी पढ़ के चले जाना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट भी पढ़ लेना है, वो आपको ल्यूकास और विक्टर दोनों पढ़ लेना, ल्यूकास और विक्टर याद दिला रहा हूँ, पढ़ के तो आए होगे, बहुत टेंशन नहीं लेना एकदम से, कोई परेशानी नहीं देख अपने आप को महसूस करने देना है। इसके बाद आपको जो चीजें हैं, एक डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म में जरूर ध्यान देना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैकेनिज्म आप पढ़ें, मैकेनिज्म, ठीक है, इतना पढ़िए आप, बाकी तो आप डिटेल जान ही रहे, सब पढ़ते। पिक्रिक एसिड का फार्मूला, पिक्रिक एसिड का फार्मूला अगर नोट कर पा रहे हो तो यही होता है ना, यही होता है पिक्रिक एसिड, पढ़ करके चले जाओ, रिमाइंड कर लो फटाफट, अपने माइंड को दौड़ाओ बैक करके फटाफट। इसके बाद आपको पढ़ लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल नेम रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में नेम रिएक्शन, जैसे नंबर वन, यहां रिमरटीमन को ध्यान देना, नंबर वन यहां पर गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन पढ़ लेना, कोच रिएक्शन। नंबर टू गेटरमैन कोच तो आपको पता होगी ना, बेंजीन लिया और बेंजीन का कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराया, HCl से कराया, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लिया, आपका एल्डिहाइड बन जाता है, ये रिएक्शन आपने खूब पढ़ी होगी और दमदारी से पढ़ी होगी, ऐसा भी नहीं, ऐसे में आपको याद दिलाता चल रहा हूं। दूसरी कैनिजारो आ सकती है, कैनिजारोज रिएक्शन आ सकती है, और कैनिजारोज रिएक्शन में वही एल्डिहाइड होंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और अल्फा हाइड्रोजन इन दोनों में विशेषकर नहीं, बाकी और भी ऐसा नहीं कि और भी एल्डिहाइड है, जैसे मान लो ये आ गया पेपर में, तो यहां पर भी तो नहीं अल्फा हाइड्रोजन है, CH3CH, यहां पर भी तो नहीं है ना, आ सकता है एग्जाम में, ये रिएक्शन याद रखिएगा एग्जामिनेशन में। आपको एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस जरूर पढ़ना, एल्डोल कंडेंसेशन एक तो पढ़ लेना, एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट कितने बनते हैं, कंडेंसेशन इसमें प्रोडक्ट कितने बनेंगे और इसमें कितने बनेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इन दोनों में प्रोडक्ट जरूर पढ़ के जाइएगा, छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर, बिल्कुल ईश्वर आपका भला करेगा। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में डिफरेंस, में डिफरेंस जरूर पढ़ लेना, जिसमें आपको टॉलेंस टेस्ट फेलिंग टेस्ट,
इन दोनों पर विशेष ध्यान देना है। इनके फार्मूले के साथ मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, पढ़ लेंगे। एमीन में डाइएजोटाइजेशन जरूर पढ़ना, डाइएजोटाइजेशन इंपॉर्टेंट है। C6H5NH2 लेते हैं, NaNO2 और HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर C6H5N2Cl बना देता है, इसे डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं। और इसकी रिएक्शंस को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रिएक्शन में वही गेटरमैन, सैंडमेयर, बाल्समैन मैंने पीछे भी रिवाइज कराई है आपको, पीछे वाली वीडियो ऑर्गेनिक की आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद गैब्रियल थैलेमाइड जरूर पढ़ लें, है ना। इसमें एनिलीन नहीं बनती, एरोमेटिक एमीन नहीं बनता, इस बात का भी अपने दिमाग में फीड कर जाइए। अब बात कर लेते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो यहां पर बायोमोलिक्यूल पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। देखिए बायोमोलिक्यूल में मैंने पीछे जो आपको बताया है, जैसे नंबर वन मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल, मोनोपॉली का एग्जांपल पढ़ लेना, ठीक है। इसी के साथ म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन निकालो, नोट्स पढ़ डालो। म्यूटा रोटेशन डीएल कॉन्फ़िगरेशन जरूर पढ़ लीजिए, छोड़िए बिल्कुल भी नहीं। और आइसोमेरिज्म से जुड़ जाओ तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन और ईजेड कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों भी पढ़ डालिए। बायोमोलिक्यूल में नहीं लेकिन ये आइसो से है, आइसोमेरिज्म से है, इनको पढ़ लो ध्यान से। और यहीं पर ज्वेटर आयन को भी डिफॉल्ट में डाल दो, ज्वेटर आयन को डाल दो। और डीएनए का डबल हेलिक्स में बॉन्डिंग हाइड्रोजन याद रखें। पॉलीमर में नाइलॉन 6.6 को पढ़ लीजिए, टेफ्लॉन पढ़ लीजिए, मोनोमर याद कर लो, पॉलीमर बाकी कुछ नहीं। नेचुरल रबर को पढ़ लीजिए। इसी के साथ इसमें एक चीज और, डेक्रॉन को पढ़ लें, डेक्रॉन, ठीक है। और बेकेलाइट की मोनोमर, इसमें आप एंटीसेप्टिक्स और एक आपको याद रखनी है एनाल्जेसिक, ठीक है। और एंटीबायोटिक में केवल नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है, इतना पढ़ के चले जाइएगा। और बहुत ज्यादा इसमें परेशान आपको नहीं होना। कीमोथेरेपी की डेफिनेशन, डाइज में एक तो एलिजरिन, इंडिगो, ये दो डाई पढ़ लेना। डाई में एलिजरिन पढ़ लेना, सब मैंने अपनी वीडियोस में पढ़ा रखी। इंडिगो ये दो डाई पढ़ करके चाहिएगा, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। लास्ट में चलते चलते मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, में आरएस सिस्टम ध्यान से, और ज्योमेट्रिकल में ईजेड सिस्टम एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, और कुछ नहीं आपसे पूछा जाए। इसके बाद हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक करैक्टर नंबर टू, बेसिक करैक्टर नंबर थ्री, हाइब्रिडाइजेशन
ये सब बातें आपको इन कंपाउंड्स में पढ़नी, किन किन में, एक तो आपको इस कंपाउंड का नाम आपको पता होगा पायरेडीन में पढ़नी है, दूसरा कंपाउंड पिपराइडीन पढ़ लेना, तीसरा कंपाउंड पायरोल पढ़ लेना, चौथा कंपाउंड फ्यूरॉन पढ़ लेना, पांचवा कंपाउंड थायोफीन पढ़ लेना। इन्हीं कंपाउंड्स में आपको नाम भी पढ़ लेने, इनके नाम भी पढ़ लेने हैं, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। तो हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ में है, इनको रिवाइज कर लीजिए, बहुत पेन नहीं लीजिए, मस्ती के साथ टेंशन फ्री होकर के पेपर देने जाइए और खुश होकर के आइए कि आई एम द सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ बिहार एस्टेट 2024। थैंक यू।